नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉट फार्मिंग केयर यानी बकरी पालन के इस वाले चैनल पर एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का टॉपिक यही होने वाला है कि बकरी बच्चा देने के बाद कब हीट पे आती है, कितने दिन बाद हीट में आती है, कब उसको क्रॉस करवाना है, इसका सही टाइमिंग क्या है, सही शेड्यूल क्या है। इन सभी सवालों के जवाब आप सभी लोगों को मिलने वाले है, क्योंकि कहीं टाइम से यह निवेदन आ रहा था कि फर्स्ट टाइम जो है बकरी कब हीट पे आती है बच्चा देने के बाद, तो इसका सही प्रोसेस क्या है वो हमें थोड़ा सा बताइए। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कब हीट पे आती है, कैसे आती है। उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि बकरी पालन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों जब भी कोई बकरी बच्चा देती है तो वह एक बहुत कठिन प्रसव से गुजर जाती है, तो उसके बाद जो है हमें तुरंत क्रॉसिंग नहीं करवानी है। कम से कम आपके पास इसके अंदर लगभग 1.5 से 2 महीना, 1.25 महीना का गैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप तुरंत उसको क्रॉस करवा देंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बकरी बच्चा देती है तो वो बच्चे जो है काफ़ी कमज़ोर होते हैं, क्योंकि बकरी जो है पूरी तरीके से तैयार नहीं होती है क्रॉसिंग के लिए। क्रॉसिंग के सिम्टम्स भी आने चाहिए, ज़रूरी होते हैं सिम्टम्स आने। वैसे बकरी हीट पे हर महीने के 21 दिन बाद हीट पे आती है और 24 से 48 घंटा हीट में ही रहती है। वैसे दोस्तों सभी बकरी पालक भाइयों के दिमाग में यही सवाल आता होगा कि हमें अब कौन सा ऐसा सही टाइम है जिसके अंदर हम उन्हें क्रॉस करवा सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको, एक कैलकुलेशन मैंने लगाया है जिसके अंदर मैंने कहा था आपको कि हर 21 दिन के बाद बकरी हीट पे आती है, तो 21 दिन का हम कैलकुलेशन लगाएंगे तो 63 डे हो रहे हैं। वैसे तो कम से कम 3 बार हीट पे आनी चाहिए बकरी, उसके बाद ही आपको क्रॉस करवानी है। अगर आप आधी अधूरी क्रॉस करवाते हैं तो उसके आपको साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सही तरीका है बकरी को हीट, बकरी को क्रॉस करवाने का। तो यह बच्चा देने के बाद कब बकरी क्रॉस होती है, कैसे क्रॉस होती है, यह सभी सवाल जो बकरी पालक के भाइयों के मन में थे वो इस वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।